गोल्ड की प्राइसेस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि पिछले 12 महीने में 20% तक बढ़ गए। जो प्राइस गोल्ड का 19 अप्रैल 2023 में 60,737 रुपीस था, वही प्राइस अब एक साल बाद यानी 18 अप्रैल 2024 को अगर देखा जाए तो पहुंच गया था 73,477 रुपीस। क्या बात कर रहे हैं? में गोल्ड का जो वैल्यू है वो हर घर में सबसे कीमती मानी जाती है, यानी हर एक हाउस होल्ड का सबसे कीमती एसेट जो है वो इंडिया में गोल्ड को माना गया है। और यही गोल्ड अब इन्वेस्टर्स को क्यूरियस बना रहा है कि क्या उन्हें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या उनकी इन्वेस्टमेंट ट्रिपल हो पाएगी, और हो पाएगी तो आखिर कितने सालों में गोल्ड अपने ट्रिपल रेट पर पहुंच पाएगा, क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से गोल्ड अब हर 10 साल के बाद ट्रिपल होता नजर आ रहा है। तो इन्वेस्टर्स के अंदर ये जिज्ञासा तो जागनी जरूरी है। और अगर आप एक भारतीय हैं, तो आप समझ सकते होंगे कि कितना ही ज्यादा जरूरी गोल्ड एक भारतीय घर के लिए या फिर एक गृहिणी के लिए हो गया है। इंडियंस को तो गोल्ड इतना पसंद है कि इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर है। और क्या आपको मालूम है, इंडिया के पास एक यूएस के सेंट्रल बैंक से भी ज्यादा गोल्ड है। इनफैक्ट इटली के बैंक से भी ज्यादा, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, इन सबको मिला भी दिया जाए तो भी इंडिया के पास इनसे ज्यादा गोल्ड है। जहां यूएसए 8100 टन ऑफ गोल्ड ओन करता है, वहीं रशिया 2332 टन गोल्ड ओन करता है। और अगर अब आप सुनेंगे कि एक इंडियन कंज्यूमर के पास कितना होता है, तो वो है 21,000 टन। और अगर आप एक डेडिकेटेड इन्वेस्टर्स हैं, तो आपने देखा होगा कि पिछले 6 महीनों में मार्केट्स भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती नजर आई हैं। जहां सेंसेक्स ने 4.01% के रिटर्न्स दिए, वहीं निफ्टी ने 4.93% के। लेकिन यहीं अगर गोल्ड की बारी देखी जाए तो गोल्ड ने दिए हैं रिटर्न्स पूरे 16.5% के। और अब जब मैं इन्वेस्टमेंट्स की बात कर ही रही हूं, तो इसके लिए फ्रीडम ऐप भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आप अपने मोबाइल में इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट्स, अपने फाइनेंसेस, फाइनेंशियल एलोकेशंस, अपने एसेट्स के एलोकेशंस, मैनेजमेंट, अपने पैसे को कैसे बचाना है, फार्मिंग, बिजनेस, अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी आपको 1000 से ऊपर कोर्सेज इस ऐप के थ्रू मिल जाएंगे। यहाँ पर एक्सपर्ट्स आपको नॉलेज देते हैं कि कैसे कैसे आप ये चीजें अपने पोर्टफोलियो में, अपने बिजनेस आइडियाज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का लिंक डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको मेरी चैनल प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन दोनों पर ही दे दिया है, तो आप वहां पर जाकर इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। अब यहाँ पर एक और स्ट्रेंज बात ये आती है कि आखिर गोल्ड के प्राइसेस इतने बढ़ क्यों रहे हैं। और इसी चक्कर में जो बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स हैं, यानी बहुत सारे देशों के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, वो काफी गोल्ड अपना वापस मंगा रहे हैं बाकी सेंट्रल बैंक्स में से। हाल ही में इंडिया ने भी ऐसे ही किया था, इंडिया ने भी 100 टन गोल्ड अपना यूके से वापस मंगाया था। इंडिया के साथ साथ अगर देखा जाए तो चाइना ने भी 314 टन ऑफ गोल्ड वापस मंगाया, पोलैंड ने 2023 में 130 टन वापस मंगाया, सिंगापुर ने 125 टन वापस मंगाया। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो ये सारी कंट्रीज, इंडिया के साथ साथ भी ये सारे सेंट्रल बैंक्स अपना गोल्ड वापस मंगा रहे हैं अपने देश में? तो अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, तो इसके ऊपर मैंने एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है प्रोसेस कि आखिर क्यों इंडिया ने और बाकी जो गोल्ड रिजर्व्स हैं वो क्यों अपने गोल्ड वापस मंगा रहे हैं, इसका क्या रीजन हो सकता है कि इंडिया जैसी कंट्रीज और इंडिया जैसी और भी कंट्रीज अपना गोल्ड बाकी देशों से वापस मंगा रहे हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को आप प्लीज ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना, तो आपको पता चलेगा कि आखिर ऐसे कौन से रीजंस हो सकते हैं कि एक देश ना चाहकर भी अपना सोना दूसरे देश में रखना चाहता है, वो चाहता है कि अब उसका सोना उसके ही देश में रहे। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो गोल्ड के प्राइसेस को इतना अफेक्ट कर रहे हैं। सोने को बहुत ही बड़े बड़े नारों के साथ बोला जाता है कि वो एक सेफ हेवन का काम करता है, यानी अगर किसी भी मुसीबत में कुछ भी काम ना आए तो आपके काम आता है आपका सोना। और यही स्ट्रैटेजी और यही माइंडसेट एक देश रखता है, वो यही सोचता है कि अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पर, यानी कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है कि देश के पास पैसा नहीं बचता है, तो देश उस सोने को, यानी अपने सोने को इस्तेमाल कर सकता है अपने खर्चे पूरे करने के लिए या फिर अपने और एक्टिविटीज, देश चलाने की एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए। अब अगर गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो इन्वेस्टर्स का ध्यान उस तक कैसे ना पहुंचे, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इन्वेस्टर्स के माइंड में भी बहुत बार ये सवाल उठता रहता है कि आखिर गोल्ड के प्राइसेस में इतना उतार चढ़ाव, इनफैक्ट सब चढ़ाव ही क्यों आ रहा है, और क्या ये चढ़ाव उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और रहेगा तो किस टाइम तक रहेगा। इन सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप मत करना और पूरा देखना, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ये गोल्ड की तरह महंगा नहीं है, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। गोल्ड एक इतना प्रेशियस मेटल है जो किसी भी समय में एक इंट्रिंसिक वैल्यू को कैरी करता है, और इसकी जो वेल्थ है, इसकी जो वैल्यू है, वो सालों साल चलती रहती है। यानी अगर आपने आज गोल्ड खरीदा है तो आपकी गोल्ड की वैल्यू इतनी बढ़ेगी ही बढ़ेगी कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैंने अपना इन्वेस्टमेंट करके उस गोल्ड में बढ़िया काम किया। और गोल्ड की वैल्यू में जो उतार चढ़ाव होते हैं वो काफी कम होते हैं कंपैरेटिवली टू अदर स्टॉक्स या फिर आप किसी और में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो, क्योंकि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज इतनी है दुनिया में कि वो इम्पैक्ट डालती है आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर।
लेकिन गोल्ड कैसे इन्वेस्टमेंट कही जा सकती है जहाँ पर इन इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। एक और फैक्टर जो बताता है कि गोल्ड के प्राइसेस में इतना हायर चीज क्यों जा रही है वो ये हो सकता है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर पड़ता है इकोनॉमी के ऊपर, यानी महंगाई। अब महंगाई बढ़ती है तो हर एक सेंट्रल बैंक, हर एक देश का सेंट्रल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम करने लगता है जिसके कारण गोल्ड की डिमांड और बढ़ने लगती है। हालांकि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ साथ भी गोल्ड का प्राइस डिपेंड करता है कि अगर टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो गोल्ड का प्राइस बढ़ सकता है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि गोल्ड के पास एक ऐसी यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो उसकी कंडक्टिविटी और कोरोजन रेजिस्टेंस को और ज्यादा इम्प्रूव बना देती हैं, और यही चीज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में भी यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी के डिवाइसेज में भी गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज में वो कंडक्टिविटी देखी जाती है, जिसकी वजह से गोल्ड की डिमांड और बढ़ने लगती है। चलिए अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जान लेते हैं कि इंडिया में आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो जब पूरी दुनिया में गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो इंडिया इस ट्रेंड को कैसे फॉलो ना करे? तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर दुनिया भर में गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है तो ये इंपैक्ट इंडिया पर दिखेगा ही दिखेगा। दूसरी चीज आती है कि भारत एक ऐसा देश है जहां गोल्ड को इमोशनली भी कनेक्ट किया जाता है, जहां गोल्ड के साथ आप अपनी भावनाओं को जोड़ते हैं, जैसे कि शादी ब्याह के टाइम पे। अब इंडिया में इतना लंबा सीजन शादी ब्याह का चलता है कि गोल्ड की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। अब हाल ही में आने वाले के सीजन में ऐसा कहा जा रहा है कि गोल्ड के प्राइसेस और बढ़ सकते हैं। अब जैसे जैसे इन्फ्लेशन भी देश में बढ़ता रहता है तो इसी के साथ साथ गोल्ड के प्राइसेस में भी वो इन्फ्लेशन देखने को नजर आता है। अब इन केसेस में गोल्ड को एक सेफ एसेट के तरीके से माना जा सकता है क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यू उस टाइम पे नीचे गिरती है, इसलिए गोल्ड को काफी महत्वपूर्ण एसेट स्पेशली उस टाइम पे माना जाता है जब इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज आ रही होती है, या फिर हम इन इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज को बोल सकते हैं करेंसी में डेप्रिसिएशन, यानी कि करेंसी की वैल्यू आपकी उतनी नहीं है कंपैरेटिवली टू यूएस डॉलर और अदर करेंसीज जितनी उनकी होनी चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी गोल्ड को काफी वैल्यूएबल एसेट माना जाता है क्योंकि उसके प्राइस में इतना फ्लक्चुएशन नहीं आता है जितना फ्लक्चुएशन हमारी दूसरी करेंसीज में आता है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। इंटरेस्ट रेट और गोल्ड ये दोनों आपस में इन्वर्सली कनेक्टेड होते हैं, यानी अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो गोल्ड का प्राइस कम होने के चांसेस रहते हैं, वैसे ही अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। चलिए अब ग्लोबल लेवल पर समझते हैं। अभी तो हमने समझा कि कैसे इंडिया के लेवल यानी हम एक डोमेस्टिक लेवल पर कैसे गोल्ड के प्राइसेस में इंपैक्ट आ सकता है, वहीं अगर हम एक ग्लोबल लेवल पर देखें कि अगर दुनिया भर में ऐसा क्या हो रहा है जिसके चलते गोल्ड के प्राइसेस में इफेक्ट पड़ रहा है, तो सबसे पहली चीज होती है वॉर्स, या जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जिनका बस आपके हाथ में नहीं है लेकिन उनके होने के कारण गोल्ड के प्राइसेस में काफी इफेक्ट देखा जा सकता है। फिलहाल दुनिया भर में दो ऐसे वॉर चल रहे हैं, जैसे रशिया और यूक्रेन में और इजराइल और हमस के बीच में, जिनके कारण काफी ग्लोबल इंपैक्ट देखा जा रहा है और इसी के कारण इनका इफेक्ट पड़ रहा है गोल्ड के प्राइसेस पर भी। ऐसे समय में गोल्ड को एक वैल्यूएबल एसेट और लेस रिस्की एसेट अगर मैं बोलूं तो माना जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स का पॉइंट ये रहता है कि अगर वॉर चल रहा है तो बाकी जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स है वो हायर रिस्क पर हो जाती हैं कंपैरेटिवली टू गोल्ड। इसके बाद एक इंपैक्ट पड़ता है करेंसी एक्सचेंज रेट पर भी। गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते या कम होना डिपेंड करता है उनके एक्सचेंज रेट पर उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर। अब मान लीजिए कि गोल्ड को खरीदा या बेचा जा रहा है यूएस डॉलर में और ये काफी इंपैक्ट डालता है उसके प्राइस पर, जैसे कि एक वीक यूएस डॉलर प्राइस को राइज करने में हेल्प करेगा, वहीं एक स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर गोल्ड के प्राइसेस को कम करने में हेल्प करेगा। गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो डिमांड और सप्लाई से भी काफी इंपैक्ट करता है और ये इससे कन्वर्सली रिलेटेबल होता है। तो अगर गोल्ड का ज्यादा सप्लाई रहेगा तो प्राइस जो रहेगा गोल्ड का वो कम होता नजर आएगा, उसी तरीके से अगर सप्लाई नीचे गिरती नजर आएगी तो जो उसका प्राइस होगा वो बढ़ता नजर आएगा। और यही चेंज पूरी दुनिया भर में, अगर ये डिमांड का चेंज कहीं भी होता है तो इसका इम्पैक्ट गोल्ड के प्राइसेस पर नजर आता ही आता है। चलिए आखिरी सवाल, अब बात करते हैं कि क्या इन्वेस्टर्स को गोल्ड की तरफ चढ़ना चाहिए, यानी गोल्ड की तरफ अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए। एक 10 ग्राम का गोल्ड का प्राइस 74,000 को ऑलमोस्ट टच कर चुका है और पहुंच चुका है 73,477 रुपीज पर, यानी ये जो प्राइस था ये था 18 अप्रैल 2024 को, और इस प्राइस पर पहुंचने के लिए ऑलमोस्ट 9 साल लगे हैं गोल्ड को। 2015 में यही प्राइस जो था वो था 24,740 रुपए का। इससे पहले ये प्राइस 9 साल में ही ट्रिपल हुआ था, यानी कि 2006 में ये प्राइस था 8,250 का। इससे पहले अगर देखा जाए तो 19 साल लगे थे गोल्ड के प्राइस को ट्रिपल होने में, जो 10 ग्राम का गोल्ड का प्राइस था 2570 रुपए का और ये था 1987 में। तो अब एक 10 ग्राम के गोल्ड को 2 लाख पर पहुंचने के लिए आखिर कितना समय लगेगा?
और ये इन्वेस्टर्स के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गोल्ड के प्राइसेस काफी हद तक इंपैक्ट डालते हैं इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशंस के ऊपर भी। तो अगर इसी तरह से ये ट्रेंड चलता रहा कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रही हैं या फिर कभी किसी देश में हो रही है कभी किसी देश में हो रही है, तो गोल्ड के प्राइसेस में ये चढ़ाव देखा जा सकता है, यानी कि ये जो राइज आ रहा है ये कंटिन्यू रह सकता है। और पिछले 5 सालों में रुपी जो है वो डेप्रिशिएट होता भी नजर आया है और बाकी जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, वॉर्स हैं, ये सब बढ़ रही हैं। और इन सबको मिलाकर गोल्ड में एक राइज देखा गया है, यानी कि 40,000 से लेके अगर वो 70,000 से ऊपर हो गया है, यानी 75% का गेन गोल्ड में हुआ है सिर्फ 3 साल के अंदर, या फिर 3.5 साल के अंदर ये वाला गेन गोल्ड में देखा गया है। और मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट नहीं कर रही हूँ कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर चीज में इन्वेस्ट करें, ये आपका खुद का एक एनालिसिस होना चाहिए। लेकिन गोल्ड को एक अच्छा एसेट माना गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई बना सकता है, और यही चीज अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स में अपनी पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन लाते रहेंगे तो वहां पर रिस्क कम होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। यानी कि अगर आपको लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में आपको रिस्क नजर आ रहा है, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को और डाइवर्सिफाई, यानी आप अपनी पोर्टफोलियो को और डाइवर्सिफाई बना सकते हैं, जिसके कारण वो रिस्क आप मेंटेन कर सकते हैं या फिर उस रिस्क को आप कम कर सकते हैं अपने दूसरे इन्वेस्टमेंट्स के जरिए। दूसरी चीज यहाँ पर ये भी ध्यान रखने वाली है कि गोल्ड डिफ्लेशन के टाइम पर भी एक अच्छा एसेट साबित हुआ है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि एक एसेट क्लास में गोल्ड का रोल काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि गोल्ड जो है वो इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, वोलेटिलिटी, करेंसी रिस्क, इन सब के बीच में काफी अच्छा परफॉर्म करता है। इसलिए एक इंसान को अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड का एसेट एलोकेशन जरूर करना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। आप अपने डाउट्स और सजेशंस मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज है जो मुझसे मिस हो गई है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं। मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।